अंदर आ जाइए। किस तरह की कार्रवाई होने वाली है आपके ऊपर? देखिए, सबको इतना मालूम है, पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 बार शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 3 ही बार सिगरौली के प्रभारी मंत्री कौन बने लगा था? आंध्रा भाई कौन बने सिगरौली के प्रभारी मंत्री? और सिगरौली में ऐसा क्या विकास कर दिया? आर्थिक राजधानी कौन है? मध्य प्रदेश में 2 है, 1 नंबर में सिगरौली, 2 नंबर पे इंदौर। सीएम साहब का और इनका रिश्ता गहरा है, उस गहरे रिश्ते को नहीं मिटाया जा सकता। और रीवा में कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा नहीं है, राजेंद्र शुक्ला जी के ठेके की भाजपा है। मुझे थोड़ा गलत फहमी हुई कि मंत्री नहीं है, शायद समय बदल गया है, पर नहीं, ऐसा नहीं। ये वो चीज़ आज भी जिंदा है। अब दूसरी बात आप क्या पूछना चाह रहे? सर पे आप ये सफेद कपड़ा बांध के कार्यक्रम मतलब शामिल हो रहे हैं, क्या वजह? मानते हैं कफन बांध लिया, मैं कफन बांध के निकल गया हूँ। जैसे ही अभी ईडी का छापा डाल रहे हैं ना, ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। किसके छापा? हमारे यहाँ पड़ रहा है। हाँ, जानकारी कैसे मिली सर हमको? 48 घंटा पहले अल्टीमेटम दिया गया। किस तरीके का अल्टीमेटम है? कौन दिया सर अल्टीमेटम आपको? कोई बहुत बड़े व्यक्ति है, पार्टी की है, थोड़ा हमारे हितैषी थे। अच्छा, कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि तो कई जगह ईडी की कार्रवाई हो सकती है, क्या ये वही कार्रवाई? मुझे वो मतलब मुझे न्यूज देखने का टाइम नहीं, अखबार तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रात 3 में जाता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा? सुबह निकल रहा जाता हूँ, मुझे मुझे किसी बड़े बड़े नेता ने जिनसे हमारे संपर्क रहे होंगे उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया कि मान जवाब है, बहुत नुकसान हो जाएगा। एक विधायकी के चक्कर में तुम्हें जो जीत पाल लिए हो, फार्म भर दियो, ये भी रिपोर्ट है कि तुम एक तरफा जीत रहे हो, पर इसके चक्कर में तुम्हारा सब तहस नहस हो जाएगा। अगर तुम हाँ करो तो मैं समझाऊँ, ईडी का छापा रोकूँ, नहीं तो तुम सालों जेल से नहीं छूटोगे। और तुम्हारे सब निकाल लिया गया है, कंपनियों में तुमने पत्नी का नाम लिखवा रखा है, बच्चों का लिखवा रखा है, जबकि उनका लेना देना नहीं है, पर वो सब मुजरिम बने के सब जेल जाएंगे, तो मान जाओ। किसने आपको रुकने के लिए कहा? नाम उजागर करेंगे उनका? नहीं कर सकते। मैंने 48 घंटे बाद जब भी उनका दोबारा मैसेज आया किसी के माध्यम से तो हमने मना कर दिया। हमने कहा मरना पसंद करूँगा लेकिन ये नहीं, मैं करूँ। इसके बाद हमको एक सही मैसेज और जानकारी आ गई कि अब आप आज तैयार हो जाओ, आज आपके यहाँ सब। मुझे मालूम है कि आज मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ना है, मेरे यहाँ इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब किसी को मालूम है पड़ जाए कि उसके ईडी का छापा पड़ना है तो मिलेगा क्या? लेकिन जब कोई इस इंटेंशन से आ ही रहा है किसको चुनाव से रोकना है तो कुछ न कुछ तो तैयार कर ही लेगा, कुछ न कुछ तो पैदा कर ही लेगा, इतना तो कर ही लेगा कि 4-6 महीने के लिए बुक कर दो। अगर ईडी की कार्रवाई होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? जेल। जेल के बाद चुनाव प्रचार पड़ेगा। ये ईडी में अगर ये हमको बस करें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी लड़ाई जनता लड़ लेगी, मुझे विश्वास है। लेकिन ये थोड़ा सा समझाइए, लेकिन ये हमारी कंपनियां जितनी हैं, हमारी 8-9, सब में कहीं बच्चे हैं, कहीं पत्नी है, सब आदमी नाम लिखाते हैं, ये उनको सबको मुजरिम बना और सबको जेल भेजें। हमारी पत्नी कितनी सीधी साधी आप जानते हैं, वो भी जेल गए। क्या लगता है बच्चे भी जेल किसके इशारे में हो रहा है? राजेंद्र शुक्ला जी ने गृह मंत्री जी को परसों नसों ये समझा दिया है कि इस आदमी को बोतल के अंदर बंद करो, नहीं तो 8 सीट हरा लेगा। और इनके कहने पर वो कन्वेंस होकर उन्होंने पूरी कार्रवाई वहाँ करा के आज यहाँ टीम उतर गई है और कल शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और कल रात के बाद ही हमको जेल भेज देंगे और ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। जेल जाने से कोई डर कुछ ऐसा कोई? मुझे जेल और जाने से डर नहीं है, मैं बचपन से लड़ते ही पैदा हुआ हूँ, मैं मरने को नहीं डरता, मैंने तो कफन बांध ही लिया है। मैं जीवन में मरने उड़ने को नहीं डरता, ना मैं और किसी चीज़ों को डरता हूँ। मुझे इतना तकलीफ जरूर रहेगी कि मेरे बच्चे जो दून स्कूल के पढ़े हैं, लंदन में पढ़े हैं, PhD हैं, साउथ एशियन हिस्ट्री में मास्टर हैं, जिन्होंने किसी को ऊंची आवाज़ में आज तक बात नहीं की है, उनको भी हमारे साथ। 2018 के चुनाव में भी आपको रोकने का प्रयास किया गया था? हाँ, नहीं 2018 के चुनाव में ये क्या रोकते, हमने तो 6 महीना पहले वो करके मैंने इनको इसे लड़ने के लिए आया था, उसमें आमने सामने की लड़ाई थी,
उस समय यह हराने का प्रयास किया गया था या जिताने का प्रयास किया गया था मेरी ओर से, ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार इनको बड़ी मिर्ची लगी, ये तो हमको बिस्कुट खिला रहे थे कि चार दिन और टहलाओ, अंतिम में बिस्कुट दे दो, और मैं पलट के इनको तमाचा मार के निकला। इनकी आँखें पक रहे हैं, अभी अंदर अंदर तड़प रहे हैं, ऊपर से सीट जा रही, तो सीट बचाने के लिए ये रीवा संभाग में अभी ईडी यहाँ भी शुरू कर। क्या घर में भेज हुई है सर ईडी की? मुझे पूरी जानकारी है, आज रात से लेके कल सुबह 5 बजे तक ये छापा मारते और सब कुछ कर। इस मामले में मैं क्यों करूँ चर्चा? मैं किसी के पास भीख थोड़ी मांगने ले जाऊँगा, वो मैं उनका विरोधी हूँ। वो हाथ में जल लेकर बच्चे पे फोटो में हाथ रखकर क्या उन्होंने भी कब कसम खा दे, कब झूठ बोल दे, मैंने तो बहुत देख लिया। उन्होंने कोई चेतावनी दी कि अब वापस आ जाओ? ये सब बातें अब मैंने बताया ना कि कोई बड़े आदमी ने वापस वापस तो नहीं बोला, पर धमकी दी थी कि मत लड़ो चुनाव, सब कुछ अभी तक का बर्बाद हो जाएगा। और मैंने चुनाव लड़ने की ठानी है सेवरिया में। मैं नहीं चाहता हूँ कि आतंक का गढ़ बने और ये विधायक फिर से जीते। मैंने वो बीड़ा उठाया है, उसका मुझे ये परिणाम मिलेगा। अगर ईडी आपको बुलाती है पूछताछ के लिए या गिरफ्तारी के लिए तो आप जाएंगे? गिरफ्तारी तो कल शाम तक हो जाएगी मेरी और मेरे परिवार की हो जाएगी, और चुनाव के बाद छोड़ा जाएगा जेल में रहेंगे। हाँ, जेल में रहेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे जेल में रहेंगे? अब आप मान ही लिए हैं कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि सिमरिया क्षेत्र की एक एक जनता जिसको मालूम है कि लड़ाई किस बात के से तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे धोखा मत करो। और अगर मैं तुम्हारे लिए जेल जाने को तैयार हूँ, सब न्यौछावर करने को तैयार हूँ, और इसके बाद भी अगर तुमने साथ नहीं दिया और चुनाव में एक तरफा विद्रोह करके नहीं जिताया और इनको मैसेज नहीं दिया, तो कल तुम्हें तो कोई अभय मिश्रा नया पैदा नहीं होगा। वो कहेगा कि चलो समझौता कर लो, और कभी कोई आदमी सामने खड़ा नहीं होगा। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लड़ाई जनता लड़ लेगी, क्योंकि जनता अभी भी लड़ रही है।